यस yes, पहला एक बाय का है और एक शॉर्ट का है ओ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है 184 184 का स्टॉप लॉस होगा 189 192 189 नाइनटी सौ दो टारगेट कच्चे तेल में जो बड़ा उछाल आया है छः परसेंट का इक्यानवे डॉलर के करीब पहुंचता हुआ दिखा है ओ एन जी के लिए पॉजिटिव है और स्टॉक तकनीकी तौर पर भी बहुत मजबूत है यहाँ खरीदारी की जा सकती है अगर बड़े गैप से ना खुले तो ले लीजिए ठीक है सर सामने एक शॉर्ट भी कर दीजिए राइट और अगर कच्चे तेल की उछाल की वजह से में एक बैंक के भी आएंगे। वो अगर तो अदरवाइज कच्चे तेल के माहौल और ग्लोबल माहौल को देखकर अगर सबसे ज्यादा रिस्की कहीं है तो बैंक्स में तो मैं इसलिए एक बैंक ऑफ बड़ोड़ा एक ये जो है यहाँ पर शॉर्ट करने की राय दे रहा हूँ स्ट्रिक स्टॉप के साथ शॉर्ट करें और वो होगा दो का टारगेट जो बनेंगे दो सौ एक सौ अठानवे तीन वैसे आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरी लिंच की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई जो आशीष आपको बताएंगे थोड़ी देर में जहाँ उन्होंने यूनियन बैंक और केनरा बैंक के टारगेट अच्छे दिए हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कॉल बैंक ऑफ बरोडा पर लिया जा सकता है स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ और अगर जितना दो के नज़दीक आप बेच पाएं दो सौ के आसपास तो और भी बढ़िया यहाँ पर शॉर्ट करने की राय ओके तो ये है आपके लिए आज के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस और नतीजों का भी रिव्यू और नौ बजे याद रखेगा अनिल जी की तरफ से आपके लिए आ रहा है नवरत्न एस स्टॉक भी हमारे आज, आज, आज हाँ। हाँ। नवरत्न में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग हटके अच्छा हाँ नई चीज है हाँ बिल्कुल नई चीज नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नई चीज एकदम नहीं जो आपने कभी मुझे देखी सुनी नहीं है ओके बिल्कुल कुछ अलग हटके लेके आयो और एकदम बात करने के लिए बढ़िया हाँ बिल्कुल प्योर इन्वेस्टर्स के लिए ये तो खैर इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल इन्वेस्टर्स। और आपके पिछले साल के अरमान हमारे रिकॉर्ड निकालेंगे नवरत्न ऐसा स्टॉक में किस तरह के बढ़िया रिटर्न बने हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में पैसा लगा सकें लेकिन आज जो है वो ओपिनियन बिल्कुल अलग है